हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जैक कमर्शिया। आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सो आपको पता है मार्केटिंग होता क्या है, और अब थोड़ा बहुत आपको सेलिंग के बारे में भी पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सो अगर टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, एक थोड़ी सी बहुत एग्जाम्पल देता हूँ सो दैट कि आपको समझ आए। चलो हम इस बैटरी वाले की बात करते हैं। ये मतलब जो आपकी बैटरी है ये बनाता है विदाउट नोइंग कि इसकी डिमांड क्या होगी। जस्ट ये ऐसे बनाता है कि ये गुड्स जो है इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ विदाउट नोइंग कि वेदर कस्टमर विल सेटिस्फाई और नॉट। प्लीज लेट मी क्लियर, ये सुबह बैकरी बनाता है विदाउट नोइंग कि गुड कस्टमर सेटिस्फाई होंगे कि नहीं। और इससे क्या इसका मेन मकसद क्या होता है, जस्ट इसे बेकरी बेचनी होती है सो दैट ही कैन अर्न फॉर हिज लाइवलीहुड। अगर एज कंपेरिजन टू दिस, अगर हम इस शॉप की बात करें, ये भी एक बेकरी शॉप है, लेकिन ये सबसे पहले देखता है कि कस्टमर की लाइकिंग क्या है, कस्टमर की डिसलाइकिंग क्या है, और ये उसी बेसिस पे बेकरी बनाता है और डिमांड देखता है डिमांड कितनी है मार्केट में, और उन उसे प्रॉपर पैकेजिंग करता है, प्रॉपर एक नेम देता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इस बेकरी वाले में और इस बेकरी वाले में। सो दिस इज व्हाट जो पहला है, दिस इज सेलिंग। सेलिंग में क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, जस्ट आप चाहते हो कि गुड्स बेचने चाहिए। यहाँ पे आप क्या चाहते हो, आपका मकसद होता है कुछ तो बेचने ही बेचने हैं, लेकिन विद द इंटेंशन यू मस्ट सेटिस्फाई कस्टमर, यू मस्ट सेटिस्फाई कस्टमर। और यहाँ पे याद रखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है और उसी बेसिस पे हम उसे गुड्स बनाते हैं। तो इट मींस मार्केटिंग जो है इट स्टार्ट्स बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग कब स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट बना और उसके बाद आपने बेचना ही बेचना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। द फर्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। मार्केटिंग जो है ये प्रोडक्ट बनने से पहले स्टार्ट होती है। कैसे, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड क्या है और उसके बाद उसी नीड को हम फुलफिल करते हैं एंड कंटिन्यूज आफ्टर सेल। हाँ, अगर हमने गुड्स भेजा, अगर वो उसने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया तो हम गुड्स को वापस लेते हैं सो दैट वी डोंट वांट टू लूज आवर कस्टमर। Here a selling starts when product is manufactured and ends with the sale of goods. Now listen to me, my dear. जो marketing है वो product बनने से पहले start होता है. It identifies customer needs first and continues after sale. और selling कब start होता है? Product बना, आपने बेचना ही बेचना है. आप यहाँ पे नहीं देखते कि आपको customer satisfy करना है कि नहीं. आप just ये चाहते हो कि मुझे goods बेचना ही बेचना है. Now second part is मार्केटिंग का मेन मकसद होता है कस्टमर। मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, दैट इज ये चाहती है ऑलवेज और ऑलवेज कि नहीं, मुझे कस्टमर्स को लाना ही लाना है, कस्टमर मेरे पास, कस्टमर सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए। और सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेलिंग को कस्टमर के साथ कुछ नहीं है, सेलिंग को प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है, चाहे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए या ना हो जाए। एंड द थर्ड पॉइंट इज द मेन एम ऑफ मार्केटिंग इज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाउ लिसन टू मी माय डियर, एक कस्टमर आए, अगर एक कस्टमर आएगा और वो सेटिस्फाई होगा, वो दूसरे को लाएगा, जब दो सेटिस्फाई होंगे वो चार को लाएंगे, जब चार सेटिस्फाई होंगे तो वो दस को लाएंगे, दस सेटिस्फाई होंगे तो वो 100 को लाएंगे। इट मींस दो विद द मार्केटिंग वी अर्न लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बट द रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स वो हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। तो जिसके जरिए हम अपने अपना बिजनेस जो है वो ग्रो करता है और मार्केट में स्टेबल रहता है। द मेन एम ऑफ मार्केटिंग इज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा। वेयर एज द मेन एम ऑफ सेलिंग इज टू अर्न प्रॉफिट, मेन मकसद क्या है सेलिंग का, प्रॉफिट कमाना बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। आपने सेल्स करना ही करना है सो दैट वी कैन ऑटोमेटिकली अर्न प्रॉफिट। मगर मार्केटिंग में भी हम प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेलिंग में हम प्रॉफिट कमाते हैं चाहे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए या ना हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हाइल डीलिंग विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। मार्केटिंग ऑलवेज, जब मार्केटिंग होता है तो सबसे पहले ये नीड देखता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो वही प्रोडक्ट बनाता है।
तो इट मीन्स इट्स फेयर विद द कस्टमर, बिकॉज कस्टमर इज नॉट अ सेल, इट्स अ फ्रेंड. कस्टमर के साथ ये उसे वो गुड्स देते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं. लेकिन अगर सेलिंग की बात हम करेंगे, इट इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. एक सेलर चाहता है कि नहीं, मुझे गुड्स भेजने ही भेजने हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या ना हो. तो इट मीन्स वो आगे कुछ होता है और पीछे कुछ और होता है. सो मार्केटिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हाइल डीलिंग विद द कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, वेयर सेलिंग इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. एंड आफ्टर दैट मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर एंड एंड्स विद कस्टमर. मार्केटिंग कस्टमर के साथ स्टार्ट होता है और एंड भी किसके साथ होता है, कस्टमर के साथ. इट मींस मार्केटिंग को मेन फोकस क्या है, मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इट स्टार्ट्स विद द कस्टमर एंड एंड्स विद द कस्टमर. एंड सेलिंग स्टार्ट्स विद प्रोडक्ट एंड एंड्स विद प्रोडक्ट. एंड मार्केटिंग इज प्रोएक्टिव इन नेचर. प्रोएक्टिव इन नेचर मींस हम नहीं सोचते चलो देयर इज अ फंक्शन और हम गुड्स भेजेंगे. नहीं, अगर हम फॉर एग्जांपल फंक्शन है आफ्टर वन मंथ, हम एक महीने पहले ही करते हैं तैयारी इसके लिए कि कस्टमर क्या चाहेगा, इस फंक्शन में क्या क्या होना चाहिए. सो प्रोएक्टिव, सो बिफोर एक्शन इट टेक्स एन एक्शन, दैट इज मार्केटिंग इज प्रोएक्टिव इन नेचर. वे यहाँ पे प्लान हम करते हैं, वेयर सेलिंग इज रिएक्टिव इन नेचर. रिएक्टिव इन नेचर मींस इट मींस अगर वहां पे हमें गुड्स भेजना है, सो अभी भेजना है तो अभी अभी काम करेंगे. सो इट इज रिएक्टिव इन नेचर. Proactive and reactive. Proactive means action before action. Reactive means action at the time of action. That's reactive. Now marketing stresses on long-term objective. जो marketing stress करता है वो long-term objective पे stress करता है, और selling का stress क्या होता है, short-term objectives. So this was all about marketing and sales. I hope you have got the concept. So in अगर मुझे conclude करना पड़े वो the marketing and selling is, marketing का main मकसद होता है customer satisfaction, selling का main मकसद होता है product बेचना. So marketing stress करता है growth and stability, whereas जो selling का main मकसद होता है profit कमाना. मार्केटिंग इज प्रोएक्टिव एंड सेलिंग इज रिएक्टिव. सो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कह सकते हैं, आप यहाँ पे मुझे कह सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में. टिल देन स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड.